इस वीडियो में देखेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी आर, जहाँ की वी ए एक्चुअल वैल्यू और वी आर रिप्रेजेंटेड वैल्यू होता है। तो कैसे फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर? जैसे कि कोई दो नंबर दिया हुआ फ्लोटिंग नंबर एक्स वन इक्वल टू 0.2473 × 10^1 और एक्स टू इक्वल टू दूसरा नंबर है 0.8370 × 10^-1। क्वेश्चन कहता है इसको ऐड करके नॉर्मलाइज करना है चॉपिंग या राउंडिंग से, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। तो देख लेते हैं ऐड करके। ऐड करने के लिए हम बताए थे कि पहले दोनों का एक्सपोनेंट सेम कर लेंगे, जिसका एक्सपोनेंट कम होगा, इसका एक्सपोनेंट कम है, इसको माइनस वन है तो वन करना है, तो प्लस करने के लिए लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 0.2 प्लस करना पड़ेगा तब वन हो जाएगा। तो 0.8370 × 10^-1 और हम लेफ्ट शिफ्ट किए हैं, तो लेफ्ट शिफ्ट करने पर मेरा प्लस होता है, होगा 0.00837 × 10^1। अब दोनों का मेरा एक्सपोनेंट इक्वल हो गया, ये एक्स टू है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो 0.2473 × 10^1 और नीचे मेरा ये हो गया 0.00837 × 10^1। ऐड करेंगे 0.76552 × 10^1। तो ये मेरा रिजल्ट हो गया 0.25567 × 10^1। अब इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने के दो मेथड था मेरा, नॉर्मलाइज करने के लिए एक चॉपिंग था, दूसरा राउंडिंग था। तो अगर चॉपिंग से करते हैं, चॉपिंग में बताए थे हम सिर्फ 4 डिजिट लेंगे मेंटिसा, बाकी सब छोड़ देंगे। यहाँ 4 डिजिट हम लेते हैं तो क्या होगा 0.2556 × 10^1। ये मेरा हो गया चॉपिंग का। अब देखते हैं राउंडिंग। राउंडिंग से नॉर्मलाइज करेंगे इसको। तो राउंडिंग में बताए थे अगर मेरा d5 < d4 है तो हम चॉपिंग मेथड अप्लाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर d5 मेरा इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 है, तब हम d4 में एक ऐड कर देंगे। यहाँ पे देख लेते हैं मेरा d5 7 है, जो कि ये फॉलो करता है 5 से बड़ा है, तो इसमें हम d4 में एक ऐड कर देंगे। तो नॉर्मलाइज करने के लिए 0.2556 है, तो d4 7 हो जाएगा × 10^1। ये मेरा हो गया राउंडिंग। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे? एब्सोल्यूट एरर जो हम चॉपिंग एलिमेंट यूज करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर क्या निकलेगा? एब्सोल्यूट एरर हम बताए थे मॉड ऑफ वी ए माइनस वी आर, एक्चुअल वैल्यू माइनस रिप्रेजेंटेड वैल्यू। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मेरा एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो एक्चुअल वैल्यू मेरा जो रिजल्ट निकला था वो है 0.25567, तो मॉड ऑफ है 0.25567 × 10^1 माइनस, और रिप्रेजेंटेड वैल्यू मेरा क्या है जो मैं चॉपिंग करके निकला था 0.2556 × 10^1, ये मॉड ऑफ है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? सब्सट्रैक्ट करेंगे
तो आएगा 0.00070 × 10⁻¹। अब सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिए इतना आया। तब इसको राइट शिफ्ट कर देते हैं, तो राइट शिफ्ट होता है तो मेरा माइनस में होता है एक्सपोनेंट, चार डिजिट कर रहे हैं 0.70 × 10⁻¹। एक डिजिट और कर देते हैं तब तो 7 हो जाएगा, 7 × 10⁻³, एक पुनर किया माइनस 1, 7 × 10⁻¹। ये मेरा एब्सोल्यूट एरर हो गया जब हम चॉपिंग एलिमेंट यूज किए। अब जब हम राउंडिंग एलिमेंट यूज करेंगे तब मेरा क्या होगा एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जब हम करेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, वी ए माइनस वी आर। तो यहाँ पे मेरा एक्चुअल वैल्यू जो मेरा था, जो निकला था यहाँ पे रिजल्ट का, तो मोड ऑफ 0.25567 × 10⁻¹ माइनस रिप्रेजेंट वैल्यू जो मेरा राउंडिंग करके निकला था 2557 × 10⁻¹ मोड ऑफ। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आएगा 0.3। अब इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं तो 3, 5 प्लेस राइट शिफ्ट किए तो माइनस में होगा 3 × 10⁻¹⁵, 3 × 10⁻¹⁴। ये मेरा हो गया एब्सोल्यूट एरर जब हम राउंडिंग एलिमेंट यूज किए, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर जब हम चॉपिंग एलिमेंट यूज किए।